जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में व्यापारियों ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों संघ की बैठक, त्योहार तक काम रुकवाने की उठी मांग। सिरौली कस्बे के दर्जनों व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नेशनल हाईवे के अधिकारियों संघ बैठक की है। इस बैठक में सिरौली कस्बे के व्यापारियों ने निर्माण को रोकने की मांग की है। बताते चलें कि व्यापार मंडल सिधौली के अध्यक्ष संजय प्रकाश सिंह के नेतृत्व में तथा चेयरमैन गंगाराम राजपूत की अगुवाई में दर्जनों व्यापारी सिधौली कोतवाली पहुंचे, जहां पर उप जिलाधिकारी सिधौली की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नेशनल हाईवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में पहुंचे दर्जनों व्यापारियों ने पुल निर्माण को त्योहार तक रोकने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों तक पुल निर्माण तथा नाला निर्माण को रोक दिया जाए, जिससे व्यापारियों को नुकसान ना हो। भाजपा नेता व व्यापारी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि होली तथा ईद का त्योहार आने को है। ऐसे में अगर नेशनल हाईवे के अधिकारी नेशनल हाईवे पर काम को शुरू करेंगे तो आवागमन बाधित होगा, जिससे व्यापार को काफी नुकसान होगा, जिसके फलस्वरूप नेशनल हाईवे के किनारे बनी दुकानों के व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सर, ये जानकारी दी जाए, थाना परिसर में जो है हाईवे वाले और व्यापारियों के साथ एक मीटिंग हुई है, क्या निर्णय निकला है, कब से काम शुरू हो रहा है, इसकी जानकारी कुछ? समस्त व्यापारियों ने एक स्वर से आवाज़ उठाई कि अभी तक के जो भी NH कार्य करा रहा है, जब तक चुनाव हो तब तक इस कार्य को रोका जाए, और चुनाव के बाद सारे व्यापारी समाज के लोग जो भी सरकारी कार्य होगा उसमें गति प्रदान करेंगे। हम लोग एक स्वर से, दो दो त्यौहार हैं, हमारा होली का त्यौहार है, बकरीद का त्यौहार है, दोनों त्यौहारों तक न अभी नाला का निर्माण हो और न उसका NH पर जो ओवरब्रिज बना रहे हैं उसका निर्माण हो, जब तक दोनों त्यौहार किसी भी प्रकार का काम न लगे, जब तक ये हमारे हिंदुओं का, मुस्लिम का, समाज के दोनों का जो त्यौहार है, त्यौहार निकलने के पश्चात नाला का काम शुरू किया जाए और उसके पश्चात चुनाव हो जाने के पश्चात फिर NH अपना कार्य। दरअसल सिधौली कस्बे में नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस स्टॉप है। बिस्वा रोड पर बहादुरपुर तक पुल निर्माण किया जाना सुनिश्चित हुआ है तथा महमूदाबाद चौराहे से बिस्वा चौराहे तक हाईवे के किनारे सर्विस लेन व नाले का भी निर्माण किया जाना है, जिसके लिए नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है। मिट्टी परीक्षण के बाद कस्बे के बिस्वा चौराहे पर निर्माण काम को भी गति दे दी गई है, जिसको देखते हुए व्यापारियों ने निर्माण को रुकवाने की मांग की है। बैठक में पहुंचे नेशनल हाईवे के XCM प्रवीण कुमार ने बताया कि नेशनल हाईवे से बिस्वा मार्ग तक पुल निर्माण किया जाना है तथा महमूदाबाद चौराहे से बिस्वा चौराहे तक हाईवे के किनारे सर्विस लेन व नाले का भी निर्माण किया जाना है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों ने त्योहार तक निर्माण कार्य को रोकने की मांग की है, उनकी मांग को देखते हुए ऊपर अधिकारियों से बात की जा रही है। आज थाना परिसर में जो है आप लोगों के साथ व्यापारियों की मीटिंग थी, क्या आप लोगों ने आगे बताया है कैसे पुल बनेगा, ये कहाँ गिर रहा है, ये सारा जानकारी दी? निष्कर्ष क्या निकला है इस मीटिंग में? फ्लाईओवर बनना है यहाँ पे जी, इसलिए ब्लैक स्पॉट है यहाँ पे, तो 70 मीटर का फ्लाईओवर बना रहे हैं और 250 मीटर का पथ बनाएंगे उसका। उसके बाद बिस्वा तिराहा से लेकर और महमूदाबाद चौराहे तक सर्विस लेन बनाएंगे और ड्रेन भी बनाएंगे। सर, कुछ व्यापारियों में ये संशय है कि ये पुल जो है मिट्टी वाला बन रहा है कि ओवरब्रिज बन रहा है, ये क्या है ये? नहीं, 70 मीटर का तो फ्लाईओवर है ये जी, अप्रोच के लिए हम बनाएंगे आरी वाला बनाएंगे वहाँ पे 250 मीटर का वो तरफ। ये पुल कहाँ से उठ रहा है ये लगभग? पुल ये जो बिस्वा तरफ जो तालाब है ना जी, हाँ तालाब है बच्चे के पहले जो तालाब, हाँ वहाँ से लेकर वहाँ आएगा और फिर यहाँ जो हनुमान टेम्पल है, हनुमान टेम्पल से पहले ही एंड हो जाएगा। अच्छा, बस पहले इतना ही पुल है ये? इतना ही है, हाँ इतना। अच्छा, महमूदाबाद चौराहे तरफ ये कोई अभी वहाँ पे कोई प्रपोज नहीं है, हनुमान जी के पहले? अच्छा, फ्लाईओवर वहाँ प्रपोज नहीं है, वहाँ सभी लेन बनाएंगे। ये हनुमान मंदिर के लगभग कितना पहले रहेगा? हनुमान मंदिर से 50 मीटर पहले ही एंड हो जाएगा। 50 मीटर मतलब बस स्टॉप के पहले ही? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो अभी अच्छा, व्यापारियों ने क्या आपसे मांग की है, कुछ जानकारी? व्यापारियों मांग की है कि अभी इंक्रोचमेंट ना हटाया जाए, अभी होली के और वो ईद का त्यौहार है, उसके बाद इलेक्शन बाद। इस दौरान सिधौली कोतवाली में आयोजित बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, उप जिलाधिकारी सिधौली अनिल कुमार, प्रभारी निरीक्षक सिधौली अरविंद कुमार, महेंद्र सिंह चौहान, संजय प्रकाश सिंह समेत दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सिधौली से गुरप्रीत सिंह व मोहित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।